हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट में पार्ट वन में हम माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और फंजाई हमारा इसमें हम शुरू कर चुके थे। आज हम ले रहे हैं एस्कोमाइसिटीज का मेंबर पेजाइजा जो है, जैसे हमने एस्कोमाइसिटीज का मेंबर कहा, पेजाइजा को कप फंजाई भी कहते हैं। कप फंजाई यानी कप शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअली इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कप शेप जो स्ट्रक्चर है वो एपोथीसियम की होती है, जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। इसका माइसीलियम जो है वो अंडरग्राउंड होता है थोड़ा सा, और सबस्ट्रेटम पर लगभग बिखरा हुआ रहता है, सबस्ट्रेटम पर चिपका हुआ रहता है और समान रूप से फैला हुआ रहता है। और ऊपर जो इसकी अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर निकलती है उसे वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है और वो कप शेप्ड होती है। अम्ब्रेला शेप्ड नहीं, कप शेप्ड होती है और इसके कारण इसको हम कप फंजाई कहते हैं। तो ये जो है पेजाइजा, सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो माइकोटा, यू माइकोटा, एस्कोमाइसिटी जिसकी क्लास है, पिछली बार हमने आपको बताया था एस्कोमाइसिटीज को कई सारी सब क्लासेस में बांटा गया है, जिसमें से जो फ्रूटिंग बॉडी की स्ट्रक्चर के अनुसार है बांटा गया है उनको एस्कोमाइसिटीज की जो क्लास है उसके अंदर ये आता है पेजाइजा डिस्कोमाइसिटीज सब क्लास के अंदर। फ्रूटिंग बॉडी की रचना के आधार पर कई सारी सब क्लासेस हैं, जैसे हमने एस्परजिलस और क्लेविसेप्स के अंदर दूसरी इसकी जो क्लासेस थी सब क्लासेस थी वो देखी थी, लेकिन यहाँ इसकी जो है डिस्कोमाइसिटीज डिस्क शेप्ड या हम कप शेप्ड इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, इसलिए इसके अनुसार इसकी सब क्लास का नाम डिस्कोमाइसिटीज है। देन ऑर्डर है पेजाइजेस, फिर फैमिली पेजाइजेसी और पेजाइजा जीनस। ये जीनस जो है लगभग इसकी 100 स्पीसीज नोन है। अभी तक जो ज्ञात स्पीसीज हैं वो 100 है, जिसमें से लगभग 25 स्पीसीज इंडियन है, मतलब भारत में पाई जाती है। ज्यादातर इस पेजाइजेस का जो मेन करैक्टर है, इसमें जो जितनी भी फंजाई है वो सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगती हैं। इसके अंदर भी मृत कार्बनिक पदार्थों में भी क्या हो सकता है, ये रॉटिंग लॉग्स पर पाई जा सकती हैं, जो जैसे अपने लट्ठे पड़े रहते हैं लकड़ी के, रॉटिंग लॉग्स जिन्हें कहते हैं, सड़े हुए लॉग्स हैं उन पर पाई जा सकती हैं, या ट्रीज की बार्क पर पाई जा सकती हैं जिनमें नमी पाई जाती है, या ह्यूमस रिच सॉइल के अंदर भी पाई जाती है, यानी रॉटिंग लॉग्स पर सड़े हुए लकड़ी के लट्ठे या ह्यूमस रिच सॉइल, ह्यूमस रिच सॉइल जिसके अंदर मृत कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है उस पर पाया जा सकती है, या मेनली जो पेजाइजा है इसके हम बता रहे हैं पेजाइजेस के जितने भी मेंबर्स हैं वो, और मेनली जो पेजाइजा है वो कॉप्रोफिलस है। कॉप्रोफिलस का मतलब ये काउ डंग पर पाया जाता है, ग्रो ऑन डंग। डंग क्या है, गोबर, गोबर के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है सैप्रोफिटिक है मेनली, यानी मृतोपजीवी है, मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही उगते हैं। इसके अलावा बर्न्ड वुड पर भी पाए जा सकते हैं, जली हुई लकड़ी के ऊपर भी ये पाए जा सकते हैं, बार्क ऑफ ट्री पर भी पाए जा सकते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज। ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज पेड़ों की छालों पर पाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो मृतोपजीवी हैं, कुल मिलाकर ये परजीवी नहीं है, इनके लिए किसी होस्ट की आवश्यकता नहीं है। इसमें से एक इंडियन स्पीसीज हम लिख रहे हैं पेजाइजा पशु लेटा, इंडियन स्पीसीज एक है जो हम इसका नाम लिख रहे हैं पेजाइजा पशु लेटा।
आपको पहले भी बताया है कि इनके नीचे जेनेरा और स्पीसीज के नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम के नीचे द्विनाम पद्धति के अनुसार या तो अंडरलाइन किया जाता है या इनको इटैलिक लिखा जाता है, यानी कि बॉटनिकल नेम या जो जूलॉजिकल नेम होते हैं लेटिन वर्ड्स के होते हैं और इन्हें हम अंडरलाइन करते हैं या इन्हें इटैलिक लिखा जाता है। जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें इटैलिक लिखते हैं, या इसको यहाँ भी लिख रहे हैं तो हम तिरछा लिख सकते हैं, लेकिन यदि हमने सीधा लिखा है तो इनके नीचे अंडरलाइन करना आवश्यक है। अब यदि हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है इसका माइसीलियम जो है वो क्योंकि एस को माइसिटीज का है तो उसी की तरह होगा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ये ब्रांच थी सेप्टेट माइसीलियम सेप्टा विद सिंपल कोर, ये मेन कैरेक्टर है जिसमें हर एक सेल एस्कोमाइसिटीज में हमने और मेंबर्स में देखा कि यूनिन्यूक्लियेट सेल हो सकती है, सॉरी मल्टीन्यूक्लियेट सेल्स होती हैं, लेकिन यहां पर इनकी सेल्स यूनिन्यूक्लियेट भी हो सकती है और मल्टीन्यूक्लियेट भी हो सकती है। तो यूनि और मल्टीन्यूक्लियेट सेल्स, ठीक है, तो ये इसके जो है वो जनरल कैरेक्टर्स हैं। इसके बाहर सेल वॉल होती है, लार्वा मेम्ब्रेन होती है, जैसे और जो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं उनमें ये माइसिलियम की रचना है बिल्कुल उसी तरीके की ये रचना पाई जाती है। ये माइसिलियम जो है काफी गुथ करके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है और जो सबस्ट्रेटम जिस भी सबस्ट्रेटम पर ये पाया जाता है उससे अपने लिए क्या लेता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम का मतलब जो इसका आधार जिस पर ये ग्रो कर रहा है वो क्या ग्रो कर रहा है सबस्ट्रेटम पर, जैसे जो बार्क ऑफ ट्री है यानी कि पेड़ की छाल है या लॉग्स हैं सड़े हुए लॉग्स हैं इन पर ये ग्रो करता है और ग्रो, तो इसका जो सबस्ट्रेटम है वो क्या हो गया ट्री की बार्क या ट्री की छाल, ये इसका सबस्ट्रेटम हो गया। तो इस पर ये माइसीलियम इस तरीके से यूं गुथा हुआ रहता है सबस्ट्रेटम पर और हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ये ह्यूमस रिच सॉइल है या फिर रॉटिंग रॉक्स यानी ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो कर रहा है, तो वहीं से अपना न्यूट्रिशन ये है जो है वो लेता रहता है, न्यूट्रिएंट्स अपना एब्जॉर्ब करता रहता है। और जब हमें दिखाई कब देता है, जब इसकी एपोथीसियम ऊपर की तरफ ग्रो करती है, तो ये एपोथीसियम इस तरीके से ग्रो करती है यहाँ पर। ये कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि इसके ऊपर ग्रो करती है। तो हम अपनी इसके अंदर भी देखते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर भी जब हम प्रैक्टिकल कराते हैं तो आपको कप्स मिलते हैं इसके, उसकी हमें सेक्शन कटिंग करनी होती है। तो ये कप्स कब बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। देन आते हैं इसके रिप्रोडक्शन की तरफ, और रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर पाया जाता है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि यहाँ पर ये रेयर होता है, रेयर मतलब बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम स्पीसीज में पाया जाता है, और जिन भी स्पीसीज में पाया जाता है जैसे पैदाइजा की रेपेंडा स्पीसीज है, पैदाइजा रेपेंडा में पाया जाता है और रेपेंडा में इसमें ये केवल कोनिडिया द्वारा या क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा पाया जाता है, कोनिडिया या क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है। जब इस सतह पर माइसीलियम ज्यादा बन जाता है तो वही माइसीलियम जो है वो कोनिडियोफोर बनाता है और कोनिडियोफोर पर कोनिडिया ग्रो करती है और ये कोनिडिया अनुकूल परिस्थिति में जो है वो अंकुरित होकर एक नया माइसीलियम वहीं की वहीं बना लेती है। तो ये हो गया। इसी तरीके से क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो भी सेल के अंदर, जो हमने स्ट्रक्चर बताया है इसका, इसकी जो सेल है उसके अंदर ये इस प्रकार से क्लेमाइडोस्पोर्स बन जाते हैं और क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा ये क्लेमाइडोस्पोर, यदि ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया है, इसके अंदर भोजन उपस्थित है
प्रत्येक सेल इन्फ्लेमेटरी स्पोर में परिवर्तित हो जाती है प्रतिकूल परिस्थिति में, ठीक है। और ये क्लेमाइडोस्पोर जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो अंकुरित होकर नया माइसिलियम ग्रो कर लेता है। मेन है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बननी चाहिए, युग्मक धानिया बननी चाहिए, गैमिटेंजिया बननी चाहिए। लेकिन गैमिटेंजिया यहाँ के अंदर इसके अंदर नहीं बनती है पैजाइदा के अंदर। हमने शुरुआत में कहा था आपको कि फंजाई में जो शुरुआती क्लासेस हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन बाद की जो क्लासेस हैं उनमें धीरे धीरे ये कैसा हो जाता है, सिंपल प्रकार का हो जाता है। तो हमने शुरुआत में पढ़ा था एल्बोगो, फिर स्कैलरोस्पोरा, देन हमने एस्परजिलस पढ़ा, क्लेविसेप्स पढ़ा। एल्बोगो और स्कैलरोस्पोरा में हमने देखा सिर्फ युग्मक धानी संपर्क में आती हैं, युग्मक धानियां बनती हैं और संपर्क में आती हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा। देन एस्परजिलस और क्लेविसेप्स में हमने देखा एस्कोगोनियम एंथ्रीडियम बनती हैं, ये भी एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। पेजाइजा जो है एस्कोमाइसिटीज का एडवांस मेंबर है। तो पेजाइजा के अंदर हम देखेंगे कि सोमेटोगेमिक जो है पॉपुलेशन पाया जाता है, यानी सोमेटिक सेल्स ही जो है उसकी जो है वो कॉपुलेट हो जाती हैं, यानी एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और उनके जो न्यूक्लियस है वो फ्यू प्लाज्मोगेमी करके और कैरियोगेमी बाद में हो जाती है। यानी कि यहाँ पर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कहना चाहिए अंग नहीं बनते हैं, तो सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट तो क्या बनेंगी, सोमेटिक सेल्स जो है वो सोमेटोगेमी, या कहें हम कि इसके अंदर सोमेटोगेमस पॉपुलेशन पाए, सोमेटोगेमस पॉपुलेशन पाया जाता है, ठीक है। क्या होगा, जो सिंपल सेल्स हैं जो हमने कहा कि यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट हो सकती हैं, कि यूनिन्यूक्लिएट जो सेल्स हैं वो आपस में संयुक्त हो जाएं, उनके बीच की भित्ती गल जाए और वो एक दो न्यूक्लियस वाली यानी डाइकैरियोटिक सेल्स बना लें। तो हम इसको शुरुआत कर रहे हैं इसकी कि ये किस तरीके से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम दिखा सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से, सोमेटोगेमस पॉपुलेशन से। तो सोमेटोगेमिक पॉपुलेशन जो है वो कैसे शुरू होगा, सोमेटिक सेल से शुरू होगा। कुछ हाइफर सेल्स जो हैं, जैसे हमने कहा कि जो यूनिन्यूक्लियेट सेल्स हैं, ये यूनिन्यूक्लियेट सेल्स हैं और ये यूनिन्यूक्लियेट सेल्स आपस में संयुक्त हो जाती हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, संयुक्त हो गई। हमने एक में पिंक कलर से बनाया इसको और एक हमने व्हाइट कलर से बनाया। जब ये इनमें हम यहां लिख सकते हैं सोमेटोगेमस पॉपुलेशन, यानी सीधे सीधे सोमेटिक सेल्स जो हैं वही फ्यूज हो रही हैं। फ्यूज नहीं हो रही है, फ्यूज तो हो रही है लेकिन इनकी पूरी पूरी कैरियोगेमी अभी नहीं हो रही है। और ये सेल्स कैसी हो जाती हैं, प्रत्येक सेल डाइकैरियोटिक हो जाती है, प्रत्येक सेल डाइकैरियोटिक हो गई, ठीक है। डाइकैरियोटिक हो गई तो इस तरीके से ये जो माइसिलियम बनाएगी वो डाइकैरियोटिक माइसिलियम होगा और हम प्रत्येक सेल को कहेंगे डाइकैरियन, डाइकैरियन, ठीक है। अब ये डाइकैरियन जो है, जैसे हमने एस्परजिलस और क्लेविसेप्स के अंदर बताया था कि जब प्लाज्मोगेमी हो गई, यहां हमने कहा इसको क्या हो गया, ये प्लाज्मोगेमी हो गई, यानी इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या हो गया, संयुक्त हो गया, न्यूक्लियस की पेयरिंग हो गई है, तो हम इसे कहेंगे प्लाज्मोगेमी हो गई। ये प्लाज्मोगेमी होकर जो डाइकैरियोटिक सेल है, प्रत्येक डाइकैरियोटिक सेल से फिर एस्कोजीनस हाइफा निकलता है। तो ऐसे जिन्हें साइफा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पिछले एस्परजिलस और क्लेविसेप्स में पढ़ा है, ये एस्परजिलस साइफा निकला, यानी तंतु निकलता है प्रत्येक कोशिका से जो डाइकैरियोटिक सेल है उस पे,
प्रत्येक से एक एक तंतु निकलता है जिसे एस्कोजीनस हाइफा कहते हैं, और ये जो न्यूक्लियस है वो एस्कोजीनस हाइफा के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज में हम एक ही दिखा रहे हैं, ये एस्कोजीनस हाइफा और इसमें ये दोनों न्यूक्लियस आ गए। ये सब चीजें कहाँ हो रही हैं? ये हो रही हैं क्योंकि ये सेप्रोफिटिक है, मृत कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर पर पाया जाता है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये सब चीजें चल रही हैं, कहाँ जहाँ की इसका हाइफा है। ये एस्कोजीनस हाइफा के अंदर यहाँ पेयरिंग हो गई है और अब ये सेल डिवाइड होती है, और उसी तरीके से जैसे हमने कैविसेप्स के अंदर आपको बताया था कि ये क्रोजियर फॉर्मेशन होता है, क्रोजियर फॉर्मेशन जो टर्मिनल सेल है वो मुड़ जाती है और एक क्रोजियर का फॉर्मेशन करती है, और इसके बाद जो इसकी मिडिल सेल है इसमें ये दोनों न्यूक्लियस आकर क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो या तो टर्मिनल सेल, या टर्मिनल सेल तो मुड़ जाती है और उसकी जो मिडिल सेल है वो इसके अंदर पेयरिंग हो गई है, और अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आकर ये है क्रोजियर और ये कहलाती है डिप्लॉइड सेल। अब ये डिप्लॉइड सेल कुछ स्पीसीज में तो ये क्रोजियर के अंदर डिप्लॉइड सेल बनती है, और कुछ स्पीसीज में ये मिडिल सेल जो है वो डिप्लॉइड सेल बनती है। डिप्लॉइड सेल जो है वो डायरेक्टली एस्कस मदर सेल का काम भी कर सकती है, जैसे कि वेसिकुलेसा स्पीसीज के अंदर पैदाइगा वेसिकुलोसा के अंदर ये जो डिप्लॉइड सेल है कौन सी, क्रोजियर की, वो डायरेक्टली फंक्शन करती है, इसकी तरह डायरेक्टली फंक्शंस एज एस्कस मदर सेल। ठीक है, ये एस्कस मदर सेल, अब यानी ये डिप्लॉइड सेल जो है वो एस्कस मदर सेल का काम करेगी, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं तो इनमें इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उनमें एस्कस बनेंगे और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स की निर्माण होगा। तो ये डिप्लॉइड सेल अब डायरेक्टली एस्कस मदर सेल का काम कर रही है, और एस्कस मदर सेल के अंदर ये सेल हम खाली ये बनाएं, टर्मिनल सेल तो इसकी फिर समाप्त हो जाती है धीरे धीरे करके, और ये डिप्लॉइड सेल क्या बनाती है, मियोसिस के बाद अब यहां होगा मियोसिस, और क्या बनाएगी, चार न्यूक्लियस बनाएगी हैप्लॉइड, और जिनमें माइटोसिस के बाद फिर यहां होगी माइटोसिस, और इन माइटोसिस से इसके अंदर एस्कस के अंदर आठ न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और हमें दिखाई भी ऐसे देते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात और ये आठ, एक कड़ी के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जैसे चेन होती है उसकी तरह लगे हुए, प्रैक्टिकल में भी हम देखेंगे तो हमें ये ब्राउन कलर के एस्कस जिसमें कड़ी के रूप में एस्कोस्पोर्स हमें दिखाई देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इनको बनाते हैं संख्या में आठ बनाएं। अब यहाँ आप अंतर कर सकते हैं, एस्कोजिलस में आपने जो एस्कोस्पोर्स देखे थे वो कैसे थे, एस्कस भी इसकी गोल या ओवल थी और एस्कोस्पोर्स भी गोल या ओवल थे। यही जो हमने दूसरा मेंबर क्लेविसेप्स पढ़ा था उसमें हमने एस्कोस्पोर्स कैसे देखे थे, वहां पर कैसे एस्कोस्पोर्स से लंबे धागे के समान, एस्कस भी लंबी थी और एस्कोस्पोर्स भी लंबे धागे के समान थे, संख्या में आठ थे लेकिन वो लंबे धागे के समान थे। यहां हम देख रहे हैं एस्कस लंबी है लेकिन ये एस्कस जो है इसमें आठ एस्कोस्पोर ओवल शेप्ड एस्कोस्पोर एक कड़ी की तरह व्यवस्थित हैं, जो कि सारे के सारे जो है वो एक लाइन में व्यवस्थित है। तो हमें देखने में भी ये ऐसे ही दिखाई देंगे, ये हो गए एस्कोस्पोर्स और ये हो गई एस्कस। इस तरीके की कई एस्कस जो हैं वो हमें एक साथ दिखाई देती हैं, कुछ सेल्स जो कि कुछ एस्कस ऐसी भी होती हैं, मतलब कुछ डिप्लॉइड सेल या इसके बाद की जो हैप्लॉइड सेल्स हैं
वो इस तरह की डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो इनके साथ साथ एस्कस को प्रोटेक्ट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराफाइसिस। तो इनके साथ साथ जो इनकी जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी, पैराफाइसिस। ठीक है, तो इन सब के साथ में हमें जो लास्ट में इसकी फ्रूटिंग बॉडी दिखेगी वो हमें कप शेप्ड दिखेगी। तो जो सबस्ट्रेटम के ऊपर, इस तरीके से सबस्ट्रेटम के ऊपर जो माइसीलियम था, उस माइसीलियम पर यहाँ हमें कई सारे कप दिखाई देते हैं। इन कप की रचना यदि हम देखें तो एक कप के अंदर एक कप की रचना क्या होती है, यदि हम इसको इसका एलएस काटें तो ये कप की एक स्ट्रक्चर है जिसमें कप जो है वो सबस्ट्रेटम पर एक छोटे से स्टॉक से लगा हुआ रहता है। और इसकी यदि हम रचना देखें तो इस प्रकार की है, आउटर मोस्ट रीजन है इस कप का, ये वाला पार्ट जहां पर कि एस्कस और पैराफाइसिस लगी रहती हैं, यहाँ हम ये है इसकी वॉल पूरी जो कि स्टेराइल है इसकी कप की। एपोथीसियम इसके कहते हैं फ्लोटिंग बॉडी को, एपोथीसियम। और इस फ्लोटिंग बॉडी के तीन पार्ट होते हैं, एक आउटर मोस्ट पार्ट जिसको एस्पिकुलम कहते हैं, एक जो धसा हुआ भाग है उसे सब हाइमीनियम कहते हैं, और एक जो ऊपर का भाग है जहां की क्या ग्रो करेंगी, एस्कस ग्रो करेगी। ये एस्कस है, इसके साथ साथ इसके अंदर एक स्टेराइल स्ट्रक्चर और होता है जिसे हमने बताया आपको, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है ये लंबी लंबी हेयर्स होते हैं। ये एस्कस हैं जो हमने पिंक कलर से बनाए हैं, बहुत पास पास पाए जाते हैं, और इनके बीच बीच में हमें जो पर्पल कलर की बनी हैं ये हेयर्स पाए जाते हैं, हेयर्स लाइक इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस। ये आपको ऐसी स्पाइरल भी दिख सकते हैं। तो ये जो हमने बनाए हैं पिंक कलर के, उनमें हम थोड़े से हम क्या बना रहे हैं इसके अंदर, आठ एस्को स्पोर्स जो कि एक कड़ी के रूप में व्यवस्थित हमें दिखाई देंगे। ये इस तरीके के एस्को स्पोर्स हमें दिखाई देंगे इसमें सारी की सारी एस्कस के अंदर। ये सारे एस्को स्पोर्स आप देख रहे हो ऐसा लगता है जुड़े हुए हैं, एक कड़ी के अंदर पड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है कप का, जो ऊपर का हिस्सा है मतलब जो कप के अंदर हमें दिखाई दे रहा है बाहर ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है हाइमीनियम। इसके नीचे जो कप का धसा हुआ हिस्सा है वो सब हाइमीनियम कहलाता है, और जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट है वो एस्पिकुलम कहलाता है जो कि स्टेराइल होता
यूटेराइन हाइफा जिसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये देखेंगे हम, इसको लिखेंगे एस्कस और ये हो गए क्या पैराफाइसिस। पैराफाइसिस इसकी स्टेराइल स्ट्रक्चर है। और तो ये इसके अंदर क्या हो जाती है इसकी, यदि हम एक इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखें, यहाँ इसमें यहाँ गुथा हुआ माइसीलियम पाया जाता है। ये माइसीलियम इस तरीके से गुथा हुआ होता है कि हमें ऐसा लगता है ये हाइफा नहीं लगता है हमें, बल्कि पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर एक दिखाई देता है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से ये गुथ जाता है। ये इसकी सेल्स नहीं है, एक्चुअली स्यूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर है, माइसीलियम से ही जो गुथ कर बनता है। तो इस तरीके से जो इसकी जो एपोथीसियम है वो कैसी है, इसकी कहना चाहिए ये इसकी वॉल है पेरिडियम। एपोथीसियम जो है इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो है, इसमें तीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हाइमिनियम जिसके अंदर ये पैराफाइसिस और एस्कस पाई जाती है, सब हाइमिनियम जो इसका कप का धसा हुआ हिस्सा है जिनके अंदर गुथा हुआ माइसीलियम होता है, क्योंकि ये माइसीलियम से ही निकलती है, और जो इसका स्टेराइल स्ट्रक्चर है वो कहलाता है एस्किपुलम, यानी जो इसका थोड़ा सा जो सब स्टर्टम से भाग जुड़ा हुआ रहता है जो स्टेराइल स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा इसका एस्किपुलम। तो ये तीन स्ट्रक्चर इसके अंदर है। अब ये एस्कोस्पोर कैसा है, एस्कोस्पोर यदि हम देखें तो क्योंकि हम इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, इसकी लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, तो ये जो एस्कोस्पोर है वो कैसा है, लगभग इलिप्टिकल है, आप देख रहे हो ये कैसा है, लगभग इलिप्टिकल, तभी हमें ऐसा दिखाई देगा ऐसा। ये एस्कोस्पोर यहाँ जो इसका ऊपर का हिस्सा है कप का वो क्या है, क्योंकि खुला हुआ है एक तरीके से, और ये कहलाता है ऊपर कुलम, छिद्र वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है ऊपर कुलम। तो आप देखेंगे कि ये एस्कोस्पोर्स एक छिद्र में से बाहर निकल जाते हैं जब इसकी मैच्योर हो जाती है, जो फ्रूटिंग बॉडी है वो मैच्योर हो जाती है, तब एस्कोस्पोर्स क्योंकि छिद्र है ही ओपरकुलम है तो इसमें से ये आराम से डिसिमिनेट हो जाते हैं, और वहीं पास के ही सबस्टेटम पर क्या बना लेते हैं, जर्मिनेट होकर, ये इलिप्टिकल यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है एस्कोस्पोर, और ये जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, इस तरीके का माइसीलियम बना लेता है जिसके अंदर यूनिन्यूक्लियेट भी हो सकता है ये और मल्टी न्यूक्लियेट भी हो सकता है। तो आप देखेंगे ये एस्कोस्पोर जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर ये ब्रांच्ड माइसीलियम जो कि सेप्टेट होता है वो बना है। तो हमने आज ये पढ़ा है जो पेजाइजा की लाइफ साइकिल, जिसके अंदर हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो रेयर होता है कुछ ही स्पीसीज में पाया जाता है, और वो कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेन होता है सोमेटोगेमस कॉपुलेशन के द्वारा, गैमेटेंजिया इसमें नहीं बनती है, युग्मक धानिया नहीं बनती है, डायरेक्ट सोमेटिक सेल्स जो है वो यूनिन्यूक्लियर सेल्स यूज हो जाती हैं, डाइकैरियोटिक सेल बनाती है। डाइकैरियोटिक सेल, प्रत्येक डाइकैरियोटिक सेल जिसके अंदर दो न्यूक्लियस व्यवस्थित हैं, दोनों एक एक सेल का जो फ्यूज हुई थी, वो डायरेक्टली एस्कस मदर सेल का काम कर सकती है या उनसे एस्कोजिनस हाइफा निकलता है। ये एस्कोजिनस हाइफा है, एस्कोजिनस हाइफा जो है वो एक साइड से मुड़ जाता है टर्न करके और क्रोजियर बनाता है, क्रोजियर की या तो क्रोजियर या फिर उसकी मिडिल सेल एस्कस मदर सेल का काम करती है, और यहाँ ये दोनों न्यूक्लियस इस जगह पर ये फ्यूज हो जाते हैं, तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गए, क्योंकि अल्टीमेट अवस्था क्या है, हैप्लॉइड अवस्था है, इसलिए ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस के द्वारा चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है, फिर ये चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा आठ हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। इस तरीके से एक एस्कस में आठ एस्कोस्पोर्स जो हैं एक कड़ी के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, और क्योंकि ये एस्कस जो हैं इसके साथ ही बहुत सारे जो सबस्टेटम के ऊपर जो तंतु थे उनसे ये सब चीजें बन रही हैं, तो बहुत सारी एस्कस बनती हैं। यहाँ पर जो सोमेटिक जो सेल्स थी उनका डायरेक्ट पॉपुलेशन हो रहा था, तो बहुत सारी सेल्स में पॉपुलेशन हुआ और बहुत सारी एस्कस बनी। इनके साथ साथ कुछ सेल्स जो हैप्लॉइड सेल्स रह गई थी वो एक स्टेराइल तंतु के रूप में यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई देती है एस्कस को। तो जो मेन हमें बाद में फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देती है वो कप शेप, और उसके भी तीन स्ट्रक्चर
एस्पिकुलम जो आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर है स्टेराइड है, मिडिल जो सबहाइमिनियम जिसके अंदर उठा हुआ माइसीलियम है, और हाइमिनियम पार्ट जो ऊपर का जिससे कि उन तंतुओं से क्या निकलते हैं आगे एस्कस और क्या निकलती है पैराफाइसिस निकलती है। तो ये इसका हमने आज पढ़ा है पैदाइदा। नेक्स्ट टर्न पे हम इसको हम आपके यहाँ तीन मेंबर हमने एस्कोमाइसिटीज के खत्म करा दिए हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसका बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर लेंगे पक्सीनिया। थैंक यू।